नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब करीब 20,000 केस आने शुरू हो गए। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,50,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावितों में महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 1,64,626 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 70,622 एक्टिव केस हैं। इसके साथ 86,575 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 7,429 लोगों की जान गई है। लगातार बढ़ते आंकड़े को देखते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब तक 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें यानी कि दूध, सब्जी और दवाइयाँ खुलती रही हैं, उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी। वहीं ऑड इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है। इसके साथ ही दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन और भी राज्यों में लगाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं शुक्रवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 31 जुलाई तक राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।